मोदी मंत्रिमंडल के तीसरे फेरबदल में 9 राज्य मंत्रियों को शामिल करने के साथ ही 4 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है। इनमें निर्मला सीतारमण भी शामिल है। इन्हें प्रमोट करने का फैसला चौंकाने वाला है। वो राज्य मंत्री थी, नरेंद्र मोदी ने अब उन्हें डिफेंस मिनिस्टर बनाया है। वो देश की पहली फुल टाइम महिला रक्षा मंत्री बन गई है। सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रदीप सिंह एक वाक्य का जिक्र करते हुए, लेकिन क्या आपको पता है कि एक बार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने निर्मला सीतारमण को खाने की टेबल से उठा दिया था। जी हाँ, सही सुना आपने। आपको बता दें कि राजग सरकार का एक साल पूरा होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। कॉन्फ्रेंस के बाद जर्नलिस्ट के साथ लंच चल रहा था। एक टेबल पर सुषमा स्वराज और कुछ जर्नलिस्ट बैठे थे। एक दो चेयर खाली पड़ी थी तो निर्मला सीतारमण भी वहां आकर बैठ गई। सिंह बताते हैं कि जैसे ही वो बैठी, सुषमा स्वराज भड़क गई और उन्हें वहां से उठा दिया। इस घटना और उनके प्रमोशन के कई मायने निकल कर सामने आ रहे हैं। पहला, सरकार में अहम पदों पर महिला भागीदारी बढ़ाने के लिए उन्हें रक्षा मंत्री बनाया गया है। दूसरा, उनके अच्छे काम का इनाम मिला। और तीसरा, उनका कद भी अब सुषमा स्वराज के बराबर कर दिया गया है। SPN9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट।